नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको वृश्चिक लग्न में केतु के प्रभाव के बारे में जानकारी दूंगा। केतु मोक्ष के कारक हैं, राहु पाप ग्रह हैं, तो उसके सामने केतु शुभ ग्रह हैं। राहु से होने वाली प्रॉब्लम को केतु बैलेंस करते हैं। केतु की तीन दृष्टि होती हैं, पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि। ज्योतिष के अनुसार केतु को मंगल के जैसा फल देने वाला कहते हैं। ये वक्री ग्रह हैं, यह हमेशा उल्टा चलते हैं। यह एक छाया ग्रह है, फिर भी उनका असर सब लोगों पर पड़ता है। अगर केतु का बल अच्छा हो, शुभ राशि में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये आपको जीवन में बहुत ऊपर ले जाते हैं। अगर केतु आपके तीसरे घर में बैठे हों, तो सबसे पहले इनका डिग्री वाइज बल देखें, क्योंकि ये शनि की राशि में बैठे हैं। यहाँ पर केतु आपसे पराक्रम करवाएंगी, ऐसे जातक को भाग्य का साथ कम मिलेगा। यह लोग अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं। केतु सप्तम भाव को देखेंगे तो मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, बिजनेस पार्टनरशिप में भी फायदा होगा। केतु नवम भाव को देखेंगे तो देश विदेश की यात्रा करवाएंगे, अपने पिता का साथ मिलेगा। केतु ग्यारहवें भाव को देखेंगे तो अपने पराक्रम से लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये था वृश्चिक लग्न में केतु का तीसरे घर में फल। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।